नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डायट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ, मेरी वीडियो का नाम है स्किप योर लंच। तो लंच को क्यों स्किप करना है और डिनर में क्यों खा सकते हैं। बहुत सारे साधकों का ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्या हम पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो नहीं चलेगा, या पेट भर के हम लंच कर लेंगे डिनर छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है कि राजा की तरह नाश्ता कर लो, मतलब ब्रेकफास्ट, व्यापारी की तरह लंच कर लो और भिखारी की तरह डिनर करो, क्योंकि रात को कम खाओ और सो जाओ। ऐसा आज तक पूरे विश्व में सब फॉलो करते थे। तो ये फॉलो करने के बाद किसका डायबिटीज ठीक हुआ, किसका बीपी ठीक हो गया, कौन पतला हो गया, किसको थायराइड ठीक हो गया, किसको अटैक नहीं आया, सब कुछ होता है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमने पिछले 30 साल से पूरे विश्व में सबके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या छोड़ दिया तो फायदा हुआ, क्या खाया तो फायदा हुआ। तो हमने तीन ग्रुप बनाए, तीन ग्रुप में 30 लोग लिए। 10 ग्रुप को हमने सुबह में ब्रेकफास्ट करा दिया, फिर और 10 लोगों को हमने लंच करवाया था, और तीसरे दो 10 लोग थे उनको हमने डिनर करवाया था। फिर 10 दिन के बाद लगातार ऐसे करके हमने चेक किया कि किसको ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो जिसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जिसने लंच नहीं किया था, वो लोग काफी स्वस्थ थे, बहुत ही स्फूर्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन जिसने लंच में खा लिया, उसको बिल्कुल आलस आ रही थी, कमजोरी आ रही थी, बीमारियां नहीं जा रही थी। तो जो लोग ने डिनर में खाया, उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी रही थी। तो हमने आज तक जो भी किया वो सुन सुन के किया। जैसे गाय, घेटे, बकरे, ये बे बे करते चले आते हैं, सदियों से जो आता है वैसा करते रहते हैं। परिवर्तन कौन लाएगा? तो परिवर्तन के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो हमारे गुरुजी ने इतने साल की तपश्चर्या की और हमें फल दे दिया है, तो हमें और कुछ तपश्चर्या नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसको एडॉप्ट कर लेना है। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट में हमें कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फास्टिंग करना है 6 घंटे का। सुबह में उठते हमें एनीमा करना है 3 बार बैक टू बैक। फिर हमें लंच में ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस पीना है, या फ्रूट जूस पीना है, या वेजिटेबल्स जूस पीना है। आपको जो पसंद हो वो आप जूस पी सकते हो। घर से बाहर हो तो गन्ने का जूस पी लो, या तो फिर आप कोकोनट पी लो। कुछ भी आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हो। लंच में पकाया हुआ भोजन का त्याग करना है, चाहे आप स्वस्थ हो तो भी, चाहे आप बीमार हो तो भी, चाहे आप 10 साल के हो या 100 साल के हो, कोई भी इंसान को यही फॉलो करना है। क्योंकि पूरे दिन में खाने से आलस आ जाती है और फल खाने से स्फूर्ति आ जाती है। हमें ऐसा खाना चाहिए कि जो खाने के बाद हमें आलस नहीं आए, हमें सोने की इच्छा ना हो जाए, हमें काम करने का मन न हो, हमें बार बार बगासा आते रहे, बार बार इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड्स, लेकिन बार बार जो नींद आती है, ऐसी फीलिंग होती रहती है। तो ये जो भी होता है उसका कारण ये है कि खाना जो डाइजेस्ट होने लगता है तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है।
तो ऐसा हमने एक प्रयोग किया था साइकिलिंग के दौरान, तो 10 लोगों को हमने लड्डू खिलाए, पूरी खिलाई और फिर पराठे खिलाए, सब्जी खिलाई, दाल चावल खिलाए और फिर साइकिल की रेस लगाई, तो कोई उसमें से फर्स्ट नहीं आया। लेकिन बाकी के जो और लोग थे उनको हमने लंच में पेट भर के फ्रूट खिलाया, पेट भर के हमने सलाद खिलाया, पेट भर के हमने जूस पिलाया, तो वो सारे साइकिलिंग में फर्स्ट आने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पकाया हुआ भोजन से हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी से उल्टा कि हम फल खाते हैं तो हमारी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी ज्यादा बढ़ती है। गुजराती में एक कहावत है कि खाने के बाद सो जाओ, मारने के बाद भाग जाओ। मारने के बाद खड़े रहेंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी, किसी को अगर मारेंगे तो वो हमें मारेगा, तो मारने के बाद भाग जाना है। मैं नहीं कहती हूँ कि किसी को मारना, लेकिन ऐसी कहावत है। लेकिन खाने के बाद सो जाना है तो हमारी काम करने की क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगी अगर हम लंच को स्किप कर देंगे। आजकल की बहुत सारे जनरेशन की ऐसी जॉब होती है व्हाइट कॉलर जॉब, पूरे दिन में कंप्यूटर के आगे बैठ के, ऑफिस में बैठ के और काम करते हैं, चेयर में बैठ के, कार में बैठते हैं, घर आते हैं सोफे में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, बेड में जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ शारीरिक श्रम नहीं होता है। फिर भी हम सुबह में खाते हैं गलत, दोपहर में खाते हैं गलत, शाम को खाते हैं गलत, रात को खाते हैं गलत, पूरे दिन पकाया हुआ भोजन खा खा के हमारा पेट इतना बड़ा आ गया, पेट जो है वो पैंट के बाहर आ गया, ड्रेस के बाहर आ गया, साड़ी के बाहर आ गया। तो इसको अगर अंदर रखना है, टी शर्ट और पैंट पहनना है, अगर आपको स्लिम देखना है, अगर आपकी आयु से आपकी आयु ज्यादा लग रही है तो एंटी एजिंग का काम करेगा। एक बार ट्राई करके देखिए। लंच में हम बोलेंगे आपको कि अनलिमिटेड खाइए, बार बार खाइए, जितना खाना हो वो खाइए, लेकिन रॉ फूड खाइए, पेट में जगह होगी उतना ही खाओगे। जैसे अभी मेरे घर में 25 किलो एप्पल पड़े हैं, लेकिन मैं 3 ही खाऊंगी, क्योंकि पेट में कितना जाएगा वो मुझे पता है। तो मैं ऐसा आपको अनलिमिटेड इसलिए कहती हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि भूखा रखा। तो लंच में आप अनलिमिटेड फ्रूट्स खा सकते हो। अगर आप जॉब जाते हो तो टिफिन के बॉक्स में 2 ककड़ी ले जाओ काटे बिना, 2 टमाटर ले जाओ काटे बिना, ऑरेंज ले जाओ काटे बिना, केले ले जाओ काटे बिना, पूरा चीकू ले जाओ, अमरूद ले जाओ, ग्रेप्स ले जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साथ में चाट मसाला रखिए। मेरे एनडीएस में मैं खुद बनाती हूँ टेस्टी चाट मसाला, वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं कुरियर से भेजती हूँ जहाँ पे भी आप रहते हो। तो ये चाट मसाला पहले से अगर डाल दोगे तो पूरा जो कटा हुआ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसमें से पानी आ जाएगा, वो पूरा गंदा हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, चिकनाहट आ जाएगी, बदबू आ जाएगी। तो पूरा का पूरा अखा ले जाओ काटे बिना और पेट भर के खाइए। आपकी टेबल पे, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पे भी आप खा सकते हो। चाकू रखिए साथ में, ऑफिस में एक डिश रखिए, या तो फिर चबा के खा लीजिए। हमारे हस्बैंड भी ऐसे ही टिफिन ले जाते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं ऐसे ही टिफिन ले जाते हैं, कांच की बोतल में हम जूस भर के दे देते हैं, नींबू साथ लेके जाते हैं, सलाद के ऊपर डालते हैं। ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें काम करने की स्फूर्ति, ताजगी रहनी चाहिए। फिर शाम को जब घर आते हो तो शाम को डिनर में अगर पकाया हुआ भोजन खाओगे तो हम नहीं बोलते हैं कि आप डिनर में पकाया हुआ भोजन खाओ,
क्योंकि हम कच्चा भोजन खाते हैं, इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन आपको इतने सालों से खाना छूट नहीं रहा है, तो आप थोड़ा पक्का थोड़ा कच्चा ऐसे करके डिनर कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले सूप पीने की आदत कीजिए। वेजिटेबल्स का सूप हर रोज बनाना है, फ्रेश, पैकेट वाला सूप नहीं, टमाटर वाला सूप नहीं, वेजिटेबल्स का सूप पीना है। फिर उसके बाद सब्जी बहुत सारी खानी है, या फिर जो भी खाते हैं सब्जी के साथ, तो एक रोटी और 3 कटोरी सब्जी ऐसे करके खानी है। या तो फिर चावल खाते हो तो 3 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी चावल ऐसे करके खाना है। कभी रोटी के साथ सब्जी खाते हो या फिर सब्जी के साथ चावल खाते हो, ऐसा करना है। लेकिन दाल चावल भी खाए और रोटी सब्जी भी खाई, ऐसा नहीं करना है। तो डिनर में चाहे आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लोगे तो रात को पेट भर जाएगा, अच्छी नींद आ जाएगी और आप का जो भी आपको जो भी ठीक लगे वो कर सकते हो। लेकिन हम तो ऐसा ही बोलेंगे कि रॉ फूड ही खाइए, क्योंकि उससे ही फायदा है। जो लोग बीमार है उनको तो रॉ फूड ही खाना है, जो बिल्कुल स्वस्थ है उनको 80% और 20% के रेशियो से डिनर करना है। तो हमारा टॉपिक ये था कि लंच में रॉ फूड खाना है और डिनर में चाहे आप कुछ भी खा लो, लेकिन लंच को तो रॉ फूड ही खाना है। तो ऐसे करके आप रहोगे तो कभी भी बॉडी ज्यादा नहीं बन जाएगी, या कभी अटैक नहीं आ जाएगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं आ जाएगा, हार्ट में कभी प्रेशर नहीं आता है, बाईपास नहीं करवाना पड़ता है, एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ती है, एंजियोप्लास्ट नहीं करवाना पड़ता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाता है, घुटने में दर्द नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है, ये सब फायदा होता है। तो इतने सारे अगर फायदे आपको भी करना हो तो लंच को स्किप कर दो और डिनर पकाया हुआ 80% और 20% के रेशियो से खाना है। कभी भी शादी में जाओ, कभी पार्टी में जाओ और लंच में खा लिया तो डिनर स्किप कर देना। ऐसा नहीं है कि मैडम ने बोला था कि डिनर में खाना है तो डिनर में तो खाना ही है। हम तो ऐसा करते हैं कि कुछ कभी 1% गलत खा लिया, सिर्फ बॉइल सब्जी खा ली या फिर बॉइल सूप खा लिया, तो भी हम दूसरे दिन पे निर्जला उपवास करते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे पेट में गलत भोजन नहीं जाता है, क्योंकि गलत भोजन से गलत परिणाम आता है। जैसे कार होती है वो डीजल से चलती है, टू व्हीलर होता है वो पेट्रोल से चलता है, वैसे ही हमारा शरीर अपक्व भोजन के लिए बनाया है। हमने जब जन्म लिया उसके पहले भगवान ने हमारा भोजन बना दिया था, लेकिन इंसान ने गलत भोजन पकाया, रोटी सब्जी दाल चावल, इसकी वजह से हॉस्पिटलें खुल गई, इसकी वजह से हम पैसे से बर्बाद हो गए। तो अगर स्वस्थ रहना है तो लंच में सिर्फ फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल्स ही खाने हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हमें और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कर सकते हो। सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा आनंद में रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, यही शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।